आज 26 मई 2019 आवेक बापदादा के महावाक्य हैं, जो 3 दिसंबर 1984 को बाबा ने सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बने। वह है सर्व समर्थ शिक्षक और हम क्या बने? उनके द्वारा मिलने वाली शिक्षा को धारण तो सभी करेंगे, परंतु श्रेष्ठ शिक्षाधारी। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर के शक्ति सेना को देख रहे, कौन कौन सदा, शब्द क्या है, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं। किन बच्चों को देख रहे हैं? जो सदा सर्वशक्तियां और उनके शस्त्रधारी, उनको अपने जीवन में धारण करने वाले महावीर विजयी विशेष आत्माएं, विजयी भी हैं और विशेष आत्माएं। कौन कौन सदा नहीं, लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बन जाते। सदा तो नहीं रखते, पर तो जरूरत पड़े तो ज्ञान का प्रयोग कर लेते, सदा नहीं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं? तीसरे प्रकार के शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं, कभी वार कर सकते हैं, कभी वार खा ले, हार हो जाती, कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते। ऐसे तीन प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती हैं। समस्या के आने से पहले उस समस्या का समाधान उनके पास होता है, पहले से समाधान स्वरूप। ये नहीं कि समस्या आए फिर सोचें क्या करूं, समस्या के समाधान स्वरूप पहले से ही एक्सपर्ट, मतलब यही होता है, जिसको पता हो कि समस्या आएगी और इसका हल ये है, वो है एक्सपर्ट। जब समस्या आ जाए तब सोचे कि क्या करूं, उससे हम एक्सपर्ट तो नहीं थे। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाते हैं। समय प्रमाण बनेंगे तो समय क्या बन गया? शिक्षक। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी ना बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते। धोखा खाने से स्मृति से स्मृति के होश में आते, जब धोखा खा लेते ना फिर याद आते। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। कई बच्चे बाप दादा से रू रिहान करते व आपस में भी रू रिहान करते समय साधारण रूप से ये बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा।
समय पर दिखा देंगे, बस समय पर कर लेंगे, लेकिन आप विश्व परिवर्तक। बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आह्वान करने का कार्य मिला हुआ, आह्वान करने का कार्य मिला हुआ। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने के लाने लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता, समय अर्थात युग परिवर्तक। क्या हो? युग परिवर्तक। डबल काल पर विजय हो, एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत। एक काल होता है समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो। विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए सदा समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के प्रमाण प्रमाण चलने वाले। सिर्फ समय प्रमाण करने वाले नहीं, बाप प्रमाण समान करने वाले। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। दुनिया वाले कहते भी हैं, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, समय सबसे बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, बड़े बड़े जख्म भर देता है। परंतु समय हमारी रचना, समय हमारी रचना, हम स्वयं अपने सर्जन हैं, हम अपने स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। समय करेगा तो इनाम किसको मिलेगा? समय को। समय करेगा तो इनाम भी समय को मिलेगा, हमें थोड़ा मिलेगा। बाबा करेगा हमें थोड़ा मिलेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इतनी चलाक है, देखती है कौन सा इसका हाथ कमजोर है, खुद इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगा, कोई रास्ता कमजोर नहीं छोड़। जहां से माया पकड़ सके, जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहां बाप की याद है वहां सदा मैं साथ हूं, ये वायदा है बाबा का। मेरी याद है तो मैं साथ हूं, इसका क्या मतलब? मेरी याद में कोई भी काम करना तो मैं साथ। शिव बाबा, मैं इसको चाकू मार रहा हूं, बाबा साथ। काम तो बुरा काम क्या? चाकू मार रहा हूँ ना, मैंने ये थोड़ा कहा है कि किसको मार रहा हूँ। अच्छे और बुरे का क्या मतलब?
बाबा के डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं तो कोई गलती हो नहीं सकती। याद का मतलब बुद्धि में रखना है, बाप की डायरेक्शन पर चलना। बाप के डायरेक्शन को छोड़कर हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं या दुनिया वालों के कहने से हम कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़, उसमें गलती। बाबा साथ है, बाबा कोई आ नहीं जाएगा, बाबा के जो डायरेक्शन है उन पर हम चल रहे हैं तो बाबा के डायरेक्शन हमारे साथ। ऐसे माया की भी चैलेंज है, माया की भी चैलेंज है, सिर्फ बाबा की चैलेंज है तो फिर किसकी चैलेंज है? माया की भी चैलेंज है। जहां कमजोरी है वहां मैं हाजिर। माया कहां है? जहां कमजोरी है। और बाबा कहां है? जहां बाबा की श्रीमत पर हम। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आह्वान करती। सर्वशक्तिमान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं, वो क्या वर्णन करते हैं? सर्व गुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो, क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण संपन्न या 14 कला, कितना चाहिए? चौदह कला वाले संपूर्ण। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो तो बनना भी ऐसा पड़ेगा या एक आधी कमजोरी चल जाएगी? बाबा पूछ रहे, एक आधी कमजोरी तो चल जाएगी? नहीं, मनीषा कहते हैं नहीं, सारी चाहिए। ये तो बाबा के साथ। अब एक आधी कोई कमजोरी रह जाए तो क्या करे बताओ? रहेगी तो रहेगी, हाँ जी नहीं, उसी कमजोरी से माया सारा आप कर जाएगी, माया का दरवाजा खुला रह जाएगा। ऐसे समझते हो कि एकाधी कमजोरी चल जाएगी? हिसाब किताब भी गहन है ना, भोलानाथ भी है लेकिन कर्मों की गति को ज्ञाता भी है। भोलानाथ भी है परंतु कर्मों की गति का साथ में ज्ञाता भी है।
देते भी कणा कणे का घना, कणे का घना करके देते हैं, घना माना ज्यादा करके, बहुत ज्यादा करके देते हैं। कणे का घना देते हैं। और हिसाब भी कणे कणे का करते हैं शिव बाबा, हिसाब भी कणे कणे का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती तो प्राप्ति में भी आधा का रॉयल फैमिली, इतनी रॉयल फैमिली आती है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती तो प्राप्ति में भी आधा जन्म एक जन्म पीछे आती। श्री कृष्ण के साथ साथ विश्व महाराजन, पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली या समीप के संबंध में नहीं है। जैसे संवत एक एक से शुरू होगा, कई जन्म पीछे तो वैसे ही हो गए भाई, कई जन्म तो नहीं, एक जन्म दो जन्म पीछे तो हो ही गए। जैसे संवत एक एक से शुरू होगा, वन वन वन, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर वन नई आत्माएं, अर्थात ऊपर से उतरी हुई आत्माएं, नया राज्य, ये नवीनता के समय का सुख है। सतोप्रधान नंबर वार, नंबर वन प्रकृति का सुख, नंबर वन आत्माएं ही, प्रकृति का नंबर वन अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे, साथ जाएंगे और फिर वापस ब्रह्मा बाबा के साथ सत्य का राज्य करेंगे। कैसे साथ रहेंगे? अब हमारे साथ आए कौन है? ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में अपना आराम से बैठा है, जन्म ले रखा है। सतयुग में भी उन्हीं के साथ रहेंगे जिनके साथ हिसाब किताब होगा। हमने कोई बाबा के साथ हिसाब किताब खोला नहीं है। खोला हिसाब किताब हमने बाबा के साथ हिसाब किताब खोला है कोई? हाँ जी खोला है। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं है, उसने अडॉप्ट कैसे किया हमें? पांच हजार साल पहले भी बाबा ने हमें अडॉप्ट ना कराया था, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा ही कोई नहीं। मैंने नहीं देखा, 5000 साल पहले भी नहीं देखा था, किसी कल्प में नहीं देखा था और किसी कल्प में भी नहीं देखेंगे। अंदरूनी कशिश तो है बाबा की, अंदरूनी कशिश है बस, ये चीज है सबसे। अब लगता होगा कि अंदरूनी साकार की तो दे रहे हैं, अपनी बात में किसको पता ही नहीं।
बड़े बहन भाई ने देखा वो बता रहा है, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो हमें ज्ञान मिला है, वो तो मिल गया और हर कल्प में मिलेगा। हर कल्प मिलेगा तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा नहीं, वादा यही किया कि साथ रहेंगे, साथ जाएंगे और वापस ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा नहीं किया कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना ही है, संपन्नता समानता सदा सदा के प्रलब्ध के अधिकारी बनाती है। संपन्नता और समानता ये दो गुण आ जाएं तो फिर क्या होता है, प्रलब्ध के अधिकारी बन जाते। इसलिए संपन्न और समान बनने का इसका समय अलबेलेपन में गंवा कर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे। तो आज सभी के सर्वशक्तियों के शस्त्रों की चेकिंग कर रहे थे, रिजल्ट सुनाई, तीन प्रकार के बच्चे देखे। अगर सोचते हैं कि आगे चल वे अलबेलेपन के नाश या इतने थोड़ा सा तो चल ही जाएगा, इतनी मदद तो बाबा कर ही देगा, लेकिन आप तो मतलब ही नहीं देगा। इतनी मदद तो बाप ही कर देगा, नहीं करेगा, लेकिन ये नाजुक समय पर धोखा ना देवे और बच्चे बाप की मददगार बन सके। और बच्चे नाच से उलहना ना देते कि इतना तो सोचा नहीं, इसलिए नाजुक समय समान सामने के लिए सामने समय सामने आत्मा जा रही है ये दिखाई दे। और दूसरा उसकी आंख में ही तीर लगाना है, मीन्स एकदम निरस्त हुआ बच्चे नाच से उलहना ना दें कि इतना तो सोचा नहीं था, इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती जा रही है, ये निशानियां हैं बाप समान आजकल मधुबन में तीन तरफ की नदियों का मेला है, त्रिवेणी नदी का मेला, तीनों तरफ के आए हुए हैं, लगन से पहुंचने वाले बच्चों की विशेषता देखो,
बच्चों के स्नेह पर बाप सदा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते लेकिन स्नेह की भाषा जानते। तो देवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार होने वाली है। गुजरात वाले क्या करते हैं? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते। अपने संगम युगी समीप स्थान के भाग्य को भी के भी झूले में झूलते, खुशी से झूलते कि हम तो सबसे नजदीक हैं। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों से झूलों में भिन्न भिन्न झूलने वाले हैं। वैरायटी ग्रुप भी है, वैरायटी सबको पसंद है ना, गुलदस्ते में भी वैरायटी पसंद है ना। वैरायटी ग्रुप भी है, वैरायटी सभी की पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी फूल हो तो अच्छा लगता है, एक ही कलर के एक ही फूल हो तो अच्छा। सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली सदा अलर्ट रहने वाले सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन विशेषता का अधिकार देने वाले सदा श्रेष्ठ काल श्रेष्ठ युग लाने वाले युग परिवर्तक नंबर 1 संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितनों को देखो चुन चुन करके बाबा ने नमस्ते, बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। पंजाब की पार्टी बाबा के सामने है। सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हो या आगे बढ़ रहे हो ना, हर कदम में पद्म भरे हुए हैं। कदम में पद्म कब होता है? कदम में पद्म ये चेक करते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई नहीं। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले धर्माऊ बच्चों में बच्चे हो ना, कमाने वाले कर्माऊ बच्चे तो नहीं हो ना, कमाऊ बच्चे तो नहीं हो, धर्माऊ बच्चे हो। एक है सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, एक है कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हो? आप कौन से बच्चे हो? वहां बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी, और यहां बाप को तो चाहिए नहीं, शिव बाबा को तो कुछ भी नहीं चाहिए।
अपने स्त्री अपने लिए ही कमाते हैं, सदा हर कदम में जमा करने वाले, कमाई जमा करने वाले बच्चे ये चेक करो, क्योंकि समय बड़ा नाजुक आ रहा। तो जितना जितना कमाई ज्यादा होगी, जमा होगी, उतना आराम से श्रेष्ठ प्रलब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है, भविष्य में तो प्राप्ति है, हर कर्म इंद्रिया में जमा करने वाले, कमाई करने वाले बच्चे हैं, ये चेक करो। बोला हमारे हर कर्म इंद्रिया कमाई करने वाली है, श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, इस समय कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर ही प्राप्त होगी, और इस भविष्य भविष्य में प्राप्ति है तो इस समय कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाने वालों वाले हो या कमाया और छापा और बराबर। जैसे बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप संपन्न और संपूर्ण है, ऐसे बच्चे भी सदा संपन्न और संपूर्ण रहने वाले हैं। सभी बहादुर होना, डरने वाले तो नहीं हो, बहादुर बच्चे ना, शेर बच्चे पंजाब के। बाप दादा किसी ना किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्ति आत्माओं को भी सहारा, भक्त आत्माओं को भी सहारा है, तो बच्चों को भी सहारा। दूसरा ग्रुप है, सदा हिम्मत और उल्लास के पंख से उड़ने वाले होना। उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ाते। ये दोनों ही पंख सदा के साथ हों, एक पंख भी ढीला होगा तो ऊंचा उड़ नहीं सकेंगे। एक पंख भी यदि ढीला होगा ना तो ऊंचा नहीं उड़ सकेंगे, इसलिए दोनों ही जरूरी। नीचे आने से तो देखो, देख लिया ना क्या प्राप्त होता है, हिम्मत खत्म हुई तो नीचे आ गए। असंभव भी क्या हो जाता है, संभव होता है, परंतु जैसे ही नीचे आए
वही असंभव लगने लगता है। हिम्मत मुश्किल को सहज बना देती है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं नीचे ही गिरते रहे, लेकिन अब उड़ती कला का समय है, हाई जंप का भी समय नहीं, हाई जंप की भी समय नहीं, सब उड़ने की समय। सेकंड में संकल्प किया और ये उड़ा। ऐसी शक्ति बाप द्वारा सभी को मिलती है। स्वयं को सदा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो क्या? मास्टर ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य का कार्य है सर्व से अज्ञान अंधेरे का नाश कराना। सर्व से भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले होना अपना ये कार्य सदा याद रखे। अपना ये कार्य सदा याद रखना। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन भूलने से भी नहीं भूलता, लौकिक ऑक्यूपेशन भूलने से भी नहीं भूलता। कोई भी काम करता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, उसे अपना काम भूलता तो नहीं है, याद रहता है। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य विश्व से अंधकार मिटाने वाले, भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले हो ना, अपना ये कार्य सदा याद रहता है। अपना ये कार्य सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, वो तो एक जन्म का विनाशी कार्य, विनाशी ऑक्यूपेशन, और ये कल्प, कल्प का अविनाशी ऑक्यूपेशन। इससे स्वयं में भी अंधकार समाप्त होता, प्रकाश होगा, और क्योंकि रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशमय है ही। तो ये कार्य सदा याद रखो और अपने आप को रोज चेक करो, रोजाना चेक करो। तो ये कार्य सदा सहज हो जाएगा। अपने आपको रोज चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूं, जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक से सेक में नहीं आते, ऐसे ही सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते, खुद अंधेरे में। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनते। कितने खुश नसीब हो। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक में आते, ऐसे सदा अधिकार दूर करने, अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते। तो ये नशा सदा खुशी में रहे, ये नशा है। कुमार बैठे हैं बाबा के सामने,
कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार जीवन में बाप के बन गए ऐसी श्रेष्ठ अपनी तकदीर समझते हो, खुश हो रहे हो, औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारियां, निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं। कमजोर कुमार तो नहीं, कितना भी कोई अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवाय कहीं भी आकर्षित ऐसे बहादुर हो। कई रूप से माया अपना बनाने के प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी, घबराने वाले नहीं। अच्छा, वह मेरी तकदीर, वह मेरा भाग्य, बस यही सदा स्मृति में रखना है। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सेवा में तो सदा बिजी रहते हो ना, ये भी जरूरी है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज योगी रहेंगे, लेकिन याद सहित सेवा हो तो सेफ्टी, याद नहीं तो सेफ्टी भी नंबर दो है। कुमार सदा निर्विघ्न हो ना, माया आकर्षित तो नहीं करती, कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश करती है। माया को कुमार बहुत पसंद है, वो समझती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सब तो बहादुर हो ना, माया के मुरीद तो नहीं हो ना, माया को चैलेंज करने वाले हो ना। आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या, मिला क्या। आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या, सब कुछ गंवा दिया। इसलिए अभी प्रभु के बन गए, प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना। तो सभी कुमार विजय कुमार, देखना कच्चे नहीं होना, माया को कुमारों में एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है मेरा बन जाए। लेकिन आप सब ने संकल्प कर लिया, जब बाप के हो गए तो निस्फुरने किस बात से, क्यों। सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला भव, नंबर तीन है। कुमार सदा समर्थ है, जहां समर्थी है वहां प्राप्ति है। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप नॉलेज फुल होने के कारण, माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने कारण, इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो। सदा एक की बात मान, बस मेरा तो एक बाबा और ना। जो जीवन मुक्त है वो संगम युग की प्राप्ति युक्त है। सदा आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। कुमारों को तो सदा खुशी में नाचते रहना चाहिए। वह कुमार जीवन, वह भाग्य, वह ड्रामा और वह मेरा, वह बाबा।
इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कितने जन्म बंधनों में बंधे बंधन से बच गए, सदा अपने को ऐसी डबल लाइट आत्मा समझते हुए उड़ती कला में उड़ने वाले जुगनू व नंबर वार सुरुष्णी को उस लाइट को उन गुणों को अपने जीवन में वरदान है। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले, क्रोधी आत्मा है उसको क्या देना है, रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुण दान व सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। शक्ति का क्या दो, वरदान। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न है। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न है। ओम शांति।